हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये भूगोल से रिलेटेड है, भारत एवं विश्व का भूगोल है। यह आपका प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह का एक पहला भाग है जो भूगोल सब्जेक्ट से बिलोंग करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक आप 30 क्वेश्चन कर जाइए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक एवं डॉलर बैंक कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक तथा डॉलर बैंक कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर में। अंटार्कटिक महासागर में ये जो ग्रांड बैंक और डॉलर बैंक हैं स्थित हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की जादूगुड़ा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड की जादूगुड़ा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम अयस्क के लिए जादूगुड़ा की जो खाने हैं, और जादूगुड़ा की खाने कहाँ पड़ती है, झारखंड में, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, पिन कोड संख्या के अंतिम 3 अंक क्या सूचित करते हैं। पिन कोड संख्या के अंतिम 3 अंक क्या सूचित करते हैं, ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र, डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को सूचित करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा होनोलुलु को, हवाई द्वीप में जो स्थित है, होनोलुलु को कहा जाता है। क्या प्रशांत महासागर का चौराहा होनोलुलु को कहा जाता है, क्या प्रशांत महासागर का चौराहा, तो ये कहाँ स्थित है, हवाई द्वीप समूह में स्थित है, ये आप जान लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, रेगुड़ से किस मिट्टी का बोध होता है। जो रेगुड़ भी एक प्रकार की मिट्टी है, उससे किस मिट्टी का बोध होता है। आंसर बताना है आपको, आंसर हो जाएगा दक्कन में पाई जाने वाली काली मिट्टी का। दक्कन में पाई जाने वाली काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, जवाहर सागर, रारा प्रताप सागर तथा गांधी सागर इत्यादि जलाशय किस नदी पर स्थित है। जवाहर सागर, रारा सागर, रारा प्रताप सागर तथा गांधी सागर इत्यादि जो जलाशय हैं किस नदी पर निर्मित है, तीनों जलाशय, तो आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नदी पे। चंबल नदी पे जवाहर सागर, रारा प्रताप सागर और गांधी सागर जो जलाशय है वो चंबल नदी पे स्थित है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला है दोस्तों, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है परीक्षा में, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा जनेवा में। अगला आप देखिए, भूमध्य रेखा पर दोपहर के सूर्य की ऊंचाई कितने से कम नहीं होती। भूमध्य रेखा पर दोपहर के सूर्य की ऊंचाई कितने से कम नहीं होती, तो क्या होता है, 66.5 से कम नहीं होती। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है दोस्तों, 66 सही 1/2 अंश से कम नहीं, ठीक है, से कम नहीं होती, तो ये आप याद रखेंगे, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है। विक्टोरिया झील बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है। यहाँ का आंसर जो हो जाएगा 9 का, तंजानिया कीनिया जायरे के मध्य स्थित है विक्टोरिया झील। आगे देखिए 10 नंबर, कुद्रेमुख लौह इस्पात परियोजना किस राज्य से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुद्रेमुख लौह इस्पात परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अगला है 11 नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र की नोपा न्यूज
प्रिंट फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में नेपा न्यूज प्रिंट फैक्ट्री स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर, भारत के किस नगर को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? अगर आप परीक्षा दे चुके हैं तो आप देख रहे हो कि जो भी क्वेश्चन लाया जा रहा है अन्य वीडियो में, वो कभी ना कभी जो अन्य साल मतलब पेपर हो चुके हैं, जो परीक्षाएं उसमें बार बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, इस जो हम करा रहे हैं सार संग्रह और ये प्रैक्टिस सेट टाइप का जो क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन और आंसर, इसमें बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके परीक्षा में कहीं ना कहीं ये नील का पत्थर साबित हो सकता है ये जो हम करा रहे हैं। तो दोस्तों आप अगर हैं तो वीडियो को, अगर वीडियो का जो तथ्य अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दें, और जो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम और तथ्य जो है इकोनॉमिक्स का लाएं और जीव विज्ञान से संबंधित, हर चीज़ से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित हर प्रैक्टिस सेट लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, भारत के किस नगर को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को, बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। 13 नंबर, प्रायद्वीपी भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? प्रायद्वीपी भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी तंत्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आगे देखिए, कील नगर, जो कील नहर, सॉरी कील नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो आंसर हो जाएगा कील नहर जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। आंसर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कील नहर किन दो समुद्र को जोड़ती है? कील कैनाल किन को जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। 15 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की विद्युत को व्हाइट कोल कहा जाता है? व्हाइट कोल मतलब सफ़ेद कोयला किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जल विद्युत को व्हाइट कोयला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर, मानसरोवर झील स्थित है तिब्बत में। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में। अगला 17 नंबर, इकोसिस्टम में ऊर्जा स्रोत क्या है दोस्तों? तो इसमें आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश से ही हमारा इकोसिस्टम काम करता है। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है आपको। तो ये खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खानों के लिए। अगर आप जो राजस्थान पीसीएस दिए हैं तो उसमें एक क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है दोस्तों। केंद्र से समुद्र को क्या कहते हैं? केरल के समुद्र को क्या कहते हैं? अगर केरल के समुद्र को क्या कहते हैं ये बताना है। आंसर हो जाएगा मालवा तट। अगला है, श्याम देश को अब क्या कहा जाता है? श्याम देश को अब क्या कहा जाता है? क्वेश्चन हो जाएगा थाईलैंड। श्याम देश को अब क्या कहा जाता है? थाईलैंड। अगला नंबर क्वेश्चन है, त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आंसर हो जाएगा बांग्ला भाषा। 22 का क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा झील, जो उड़ीसा है, उड़ीसा जो आपका उड़ीसा हो गया है, उड़ीसा एक ही है। तो ये कहाँ है चिल्का झील? तो उड़ीसा में है, उड़ीसा स्टेट में है। अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कौन सा शहर कहलाता है? हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कौन सा देश कहलाता है? आंसर हो जाएगा किन्नौर। आंसर क्या हो जाएगा? किन्नौर को हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, बाटा नगर किस राज्य में स्थित है? बाटा नगर किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में बाटा नगर स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, इसको बताना है दोस्तों। DRDO तो कहाँ है? श्रीहरिकोटा। वो कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ से बहुत सी मिसाइलें दागी जाती है, उपग्रह भी छोड़े जाते हैं। आगे देखिए, चांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। भारत
के किस राज्य में 90% से अधिक भूभाग पर वन पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा, परसेंटेज पूछा है दोस्तों मिजोरम, परसेंटेज पूछा है मिजोरम, और सर्वाधिक पूछ जाएगा तो मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। इसमें परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज में मिजोरम, और सर्वाधिक पूछ दे तो मध्य प्रदेश लगा दीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक लंबाई का राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? सर्वाधिक लंबाई का राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो NH7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक, और इसकी कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है। 29 का देखिए, 29 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर संधि को, जिब्राल्टर संधि को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अमरकंटक। अगला है, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक में आपका जोग जलप्रपात है। कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। तो दोस्तों ये पूरा 30 प्लस क्वेश्चन था जो आपको कम से कम समय में कराया गया है दोस्तों। अगर आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए जो आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराया जा सके, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ये आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि इससे हम मोटिवेट होंगे और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। अगर कंटेंट हमारे द्वारा जो तथ्य दिया जा रहा है अगर आपको वास्तव में अच्छा लगता है, थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।